नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुख करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। श्योपुर जिले में आफत बनकर आई बारिश ने संपूर्ण जिले में तबाही मचा दी है। अहेली नदी किनारे बसे कई गांव तबाह हो चुके हैं। बाढ़ पीड़ित गांव में से एक गांव ग्राम इंद्रपुरा जो संपूर्ण रूप से तहस नहस हो चुका है। यहां के मकान से लेकर सब कुछ तबाह हो गया है। जहां देखो जहां बंजर ही बंजर नजर आ रहा है। लोग रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। जाएं तो जाएं कहां? स्थानीय प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। अभी तक लोग चिल्ला रहे हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं तो कई लोग रिश्तेदारी में जा चुके हैं। अभी भी कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंच पाया। ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर हमने देखा तो वहां के लोग अभी भी अपनी व्यवस्थाएं सुधारने में लगे हुए हैं। समाजसेवी लोगों एवं संगठनों ने लोगों की मदद की। राशन सामग्री समाजसेवी संस्थाएं इनको दे रही हैं, जबकि जिला प्रशासन को ऐसी व्यवस्थाएं करना थी जो कि नहीं की गई। लेकिन फिलहाल बाहर से आने वाले समाजसेवी संगठनों ने मोर्चा संभाल रखा है, कपड़े खाने के सामान तक उपलब्ध करा रहे हैं। अहेली नदी किनारे बसे हुए गांव अधिकतर तबाह हो चुके हैं। अब देखना होगा कि नवागत जिला कलेक्टर ने मोर्चा संभाल लिया है, लोगों को कितनी राहत मिल पाएगी। लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। पानी गिरा था, मतलब 10 फुट पानी था सर। ये तो बहस भी गई और मतलब खाने पीने का भी कट के पट गए। वो लोगों के हम पूरे भाई लोगों के भी हैं। न तो जानवर को रही जगह, न हमारे लिए जगह रही, खाने पीने का अनाज भी नहीं रहा। सब घर गए, कुछ नहीं बचे, कुछ भी नहीं है। खाने को दाना नहीं है। गौ को गौ भी मर गई, भैंस भी मर गई, मकान भी ढस गए, हमारे बच्चे भी के लग गई, अनाज पानी सब मर, कुछ नहीं बचा हमारे पास। आपके ऊपर घर मकान डूब रहे थे पूरे। 10 फुट पानी था सर, 10 फुट पानी थे। लगभग 100% हुआ है। क्या क्या चीज? मकान, बब मवेशी, नाज अनाज सब कुछ, भूसा सब दोस्त हो गए, पूरे तरह से संपूर्ण नष्ट है। रहने के लिए कुछ भाई कुछ नहीं, रोड पकड़े हैं, कुछ नहीं है। अभी खाने के लिए शासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। गरीब आदमी, बहुत से आदमियों को रहने के लिए छत नहीं है, वैसे सड़क पे घूम रहे हैं, बैठे हैं बेचारे। कुछ खाना पीना उनकी व्यवस्था दूर दूर जो समाज से भी लोग हैं ना वो कर रहे हैं, बाकी कुछ है ही नहीं है। क्या इंद्रपुरा में पूरा गांव पानी भर गया था? पूरे गांव में पानी हो गया था। वहाँ कम से कम 8-8-10 फुट पानी हो रहा था उसके अंदर। पूरे जितने कच्चे उच्चे तो पूरे खत्म हो गए, पक्के ओके भी बहुत सारे दोस्त हो गए, कोई बची नहीं कुछ ही। वैसी जो भी है अनाज खाने पीने की चीज़ें, मतलब कोई वस्तु ही नहीं निकाल पाया आदमी अपना शरीर लेके। वो भी रात के दिन की वजह से बच गए, नहीं तो बहुत से मर भी गए, पता ही नहीं चला उन लोगों का।